वैलिड पॉइंट है, 17 पेड़ लगाए उनका रेशियो ऑफ ग्रोथ बहुत कम होता है, ठीक है। इन पॉइंट्स पे गौर कीजिए कि इको सेंसिटिव जोन है, यहाँ पे जीव जंतु पेड़ पौधे सब कुछ है। सरकार कह रही है क्या, मुझे ना लेट हो रही है, देखो निकलना था कब, चलो जल्दी से चलते हैं। बहुत बढ़िया है, लेट कर दी। हाँ चलो चलो। तो यार ये वीडियो ना थोड़ी और टॉपिकों से अलग होने वाली। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि थानों में ना 10,000 पेड़ कटने वाले, इसको बचाने के लिए हम लोगों ने जो आज प्रोटेस्ट किया है और जिस टाइप से चिपको मूवमेंट किया है, यार मैं इमेजिन नहीं कर सकता। देहरादून के यूथ इतना पावरफुल, देहरादून के यूथ ने मिलकर आज इतनी बढ़िया रैली, जवाब दिया है गवर्नमेंट को कि नहीं हम पेड़ काटने नहीं देंगे। एक पेड़ काटने से यार काफ़ी नुकसान होता है। पेड़ काटने की बात करें और क्या रीज़न एयरपोर्ट को एक्सटेंड करना, यार ये भी रीज़न। तो अगर आप लोगों को नहीं बताओगे तो थानों में ऐसा रास्ता है, एक टाइप से हाईवे मान लो ऋषिकेश और एयरपोर्ट तक जाने का, और सबसे अच्छा रास्ता आखिरी जगह रहेगी देहरादून में जहाँ पे इतने ज़्यादा पेड़ है, वहाँ पे भी 10,000 पेड़ काट लोगे तो वहीं रहेगा क्या। तो फाइनली हम तो एयरपोर्ट पहुंच टाइप से रैली निकलती है, लेकिन अभी जो सोचा था ना वो तो दिखा नहीं, अभी देखते आगे क्या होता है। तो अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे आके रुके हैं और मेरे साथ उज्ज्वल है और अमन भाई है। और अमन यार यहाँ पे कितनी गर्मी नहीं हो रही है, सामने आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं आपको और क्लोजअप दिखाऊंगा अभी। और भैया कैसे हो, पहचान लिया? हाँ अभी कुछ 3 दिन शूट किया यहाँ पे भाई। देख अभी हम, मुझे सबसे पहली बात तो यकीन नहीं था कि लोग इतने लोग आएंगे, अगर आए हैं तो वो बहुत अच्छी बात है यार। अब मैं वही चल रहा हूँ, साथ में देखते हैं क्या आउटपुट निकलता है। सबने ये थाना है, थानों को बचाना है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हम हमारा अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते हैं, कैसा बंद करो बंद करो बंद करो। मैम आप डिटेल में बता सकते हो साइन के बारे में? सर डिटेल में तो हम जेन्युइनली भी नहीं बता सकते। वी आर मेकिंग ट्राइंग टू मेक अ ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव इन दिस कॉज एंड देन वी कैन कीप पोस्टिंग थिंग्स यू नो दैट हाउ कैन वी लीड दिस कैंपेन फर्दर। तो अभी वापस गाड़ी में आना पड़ा यार, क्योंकि वो लोग ना बहुत आगे निकल गए थे और धूप इतनी भयंकर हो रही है ना तो यार बस पसीने निकल रहे हैं, और ऊपर से जैकेट पहन रखी, पता नहीं क्यों सोचा मैंने जैकेट पहन निकला। एयरपोर्ट के आसपास इन लोगों ने बसा रखा है और यही बोलते हैं कि नहीं जी देखिए अगर ये नहीं बड़ा करेंगे, इंटरनेशनल नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। तो पॉइंट बोलना है छोटा सा, देखो आप पता नहीं यहाँ लोग हैं कितने लोगों को पता होगा कि नहीं, लेकिन मुंबई में एरे ठीक है वहाँ सिर्फ 2700 पेड़ कटने थे पूरी कॉलोनी में, वो बनने नहीं दिया, यहाँ 10,000 कट रहे हैं। वैलिड पॉइंट है, 17 पेड़ लगाए उनका रेशियो ऑफ ग्रोथ बहुत कम होता है, ठीक है। आप 17 पेड़ लगाएंगे कहाँ लगाएंगे, उसकी स्टडी बताइए कि कितने सैपलिंग्स उसमें से ग्रो करेंगे, उसका इरिगेशन प्रोग्राम क्या होगा वो बताइए। रिस्पना हमारे पास उदाहरण है, रिस्पना का कैचमेंट एरिया जैसा मेरे पीछे देख सकते हो, नारे लगाए जा रहे हैं आप देखो बाकी जैसा। हाय आज हम देहरादून के तमाम छात्र संगठन, युवा, बुद्धिजीवी सभी लोग देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में इकट्ठा हुए। हमने एक संगठनात्मक तौर पे सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार ने थानों के जंगलों को काटने का यह फैसला वापस नहीं लिया तो इसका आंदोलन बड़ा रूप लेगा। Just wanna convey this message to all the Dunites right now that we just have little left the beauty of Dehradun and we really want to save this planet and Dehradun itself because the natural beauty, the peace around here is just amazing. Please save Dehradun, come and protest with us. Don't let them cut Thano. Just come and join us to protest. Thank you.